अगर तुम इस चैनल के एक रेगुलर व्यूअर हो तो तुम इतना तो समझ चुके होगे कि तुम मानो या ना मानो बट लुक्स प्ले ह्यूज एंड इम्पोर्टेंट रोल। फिर चाहे आप बात करो डेटिंग लाइफ की या आप बात करो डे टू डे लाइफ की, दोनों में ही लुक्स का बहुत ज्यादा रोल प्ले होता है। देखो एक चीज होती है पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक आपको मिलती है अच्छी चीजें कर। जब आप अच्छी चीजें करते हो तो आपको लोग बढ़ावा देते हैं, फिर आप वही चीज दोबारा करते हो, फिर एक टाइम ऐसा आता है कि आपके लिए वो एक न्यू नेचर बन जाती है। अब इशू ये है कि अगर आप गुड लुकिंग नहीं हो तो आपको पॉजिटिव फीडबैक कम मिलेगी। अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा तो अपने स्कूल के टाइम पर जाओ एंड याद करो उन सुंदर सुंदर लड़कियों को या फिर उन सुंदर सुंदर लड़कों को जिनको टीचर्स ज्यादा फेवर किया करती थी, जिनको क्लास का मॉनिटर जल्दी बना दिया जाता था, जिनके साथ टीचर ज्यादा प्यार से बात करती थी, टीचर उनके साथ अपने घर की गप्पें भी शेयर करती थी। आई एम प्रीटी श्योर तुम उनमें से एक नहीं होगे, तुम मेरे जैसे होगे जो कि देखकर सोचते रहते थे कि ये फुकरे के साथ क्यों टीचर बात कर रही है, मेरे साथ क्यों नहीं कर रही है, आई एम अ गुड बॉय। एंड इशू क्या होता है कि वही जो छोटा सा बच्चा जिसको सेकंड क्लास में टीचर इतना भर भर के अटेंशन दे रही है, वही जो छोटी बच्ची जिसको सेकंड क्लास में टीचर भर भर के अटेंशन दे रही है, वो एक पॉजिटिव फीडबैक लूप में फंस जाएंगे। एंड ओवर टाइम जब वो फोर्थ में होंगे, फिफ्थ में होंगे, सिक्स्थ में होंगे, उनका कॉन्फिडेंस निखरता जाएगा, क्योंकि उनको टीचर भी अच्छा बोलेगी तो वो खुद को शीशे में अच्छा महसूस करेंगे, शीशे में अच्छा महसूस करेंगे तो उनको खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा तो वो और अच्छा बिहेव करेंगे, और अच्छा बिहेव करेंगे तो टीचर और अच्छा बिहेव करेगी, एंड ये एक पॉजिटिव सर्कल का लूप बन गया। तो अगर आपको भी लाइफ में एक पॉजिटिव फीडबैक लूप में घुसना एज अ मैन, सो देर आर सम ट्रेट्स जिन पर तुम्हें वर्क अभी के अभी करना शुरू करना चाहिए। नंबर सिक्स पे आता है अ गुड आई एरिया। अगर तुम मेरे चैनल के लुक्स की प्लेलिस्ट पे जाते हो तो तुम्हें आई के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो मिलेगी, एक या दो मिलेंगी कि तुम अपने आई एरिया को कैसे इंप्रूव कर सकते हो। टू बी ऑनेस्ट उसके सिवा आई हैव नेवर सीन कोई भी और अल्टरनेटिव वर्किंग मेथड हो एक्सेप्ट सर्जरी वाले मेथड्स के। एंड अगर मैं एक जेन्युइन ट्रूथ कहूँ ना तो सिर्फ ये होगा कि इन दिस वर्ल्ड आपकी आंखों की शेप को चेंज करना विदाउट सर्जरी इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल भी नहीं, एक्चुअली में जेन्युइनली इम्पॉसिबल है, वो करना असंभव है, वो नहीं हो सकता है। तो मैं तुम्हें सिर्फ इतना सजेस्ट करूँगा कि अपनी आँखों को इम्प्रूव कर लो, जितना बेटर बना सकते हो बना लो, पर लेकिन उनके पीछे ऑब्सेस मत हो जाना। एंड ये बहुत लोग करते हैं, मैं ऐसे चलता हूँ, मैं ऐसे करके बात करता हूँ, लोगों का यह देखता हूँ, ये सब मत करना, क्योंकि तुम क्लाउन ज़्यादा लगोगे, एक वियर्ड आदमी ज़्यादा लगोगे। सो इट इज़ बेटर कि जितनी आँखें हैं उनको इम्प्रूव कर लो। इम्प्रूव करने के लिए मैंने बताया, मैंने वीडियो बनाई है, तुम वो चेकआउट कर सकते हो, लेकिन दिमाग में एक रिमाइंडर रखना कि ये इम्प्रूवमेंट एक लिमिट तक ही हो पाएगी, उसके आगे अगर तुम इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे तुम फेल हो जाओगे, क्योंकि आईज नेचुरली इतनी ज़्यादा इम्प्रूव की ही नहीं जा सकती हैं, देयर इज जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ लिमिट जिसमें तुम इम्प्रूव कर सकते हो। एंड इस पर बहुत सारे लोग ना डिबेट करते हैं, कौन से लोग, जो लोग लुक्स को एनालाइज करते हैं, लुक्स के साइंटिस्ट कह सकते हो, तो जो ये ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट कह लो, मजाक में कह रहा हूँ, सीरियसली नहीं, ये दो ग्रुप्स में डिवाइडेड है। एक ग्रुप बोलता है कि आई ही सब कुछ है, आई नहीं तो कुछ नहीं। एक है जो बोलता है जो इज लो। तो दो ग्रुप हैं, एक कहता है कि जो लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब आपकी मैंडिबल मैक्सिला ये सब, एक कहता है आपकी आई शेप सबसे इंपॉर्टेंट है, आपकी आई सबसे इंपॉर्टेंट है। इसे मैं क्या कहूँगा, देखो मेरी जो ज़्यादा बेटर है आँखों से तो मैं थोड़ा सा पार्शियल हूँ, मैं कहूँगा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी आंखें अच्छी होंगी तो तुम कहोगे आईज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आई डोंट नो क्या इंपॉर्टेंट है। इन माई ओपिनियन ये बूब्स और ऐस वाली बात है कि वट इज मोर बेटर, पर्सनल टेस्ट है, सबका अपनी अपनी मर्जी है, किसको क्या पसंद आता है, मैं कोई नहीं होता बोलने वाला। पर एट द एंड बात सिर्फ इतनी है कि यस अगर तुम अपनी आंखों को इम्प्रूव करोगे तो बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट आती है। नंबर फिफ्थ पे आता है क्वालिटी हेयर, या फिर जिनके बाल नहीं है तो वो गंजे हारमोनियस नजर आने चाहिए। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा बात करते हैं व्हाट इज हारमोनी। फेस में कोई भी खास चीज नहीं है, ऐसा नहीं है कि फेस में कितनी बड़ी जो है, इतनी सुंदर आंखें हैं, ये स्टिल बिना किसी एक्सेप्शनल फीचर के भी किसी का फेस बहुत सुंदर लग रहा है, उसे हम कहते हैं हारमोनी। हारमोनी का अगर मैं बेस्ट एग्जांपल दूंगा तो वो है सिद्धार्थ मल्होत्रा, वो है कियारा आडवाणी, वो है सोनम बाजवा। आई मीन इनके फेसेस में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जिसको तुम बोलोगे एक ब्लैक पिलर की डेफिनेशन में कि इसकी ऐसी वाली मैंडिबल है, ऐसी वाली आई शेप है, कुछ भी नहीं है, यार स्टिल ये इतने सुंदर चेहरे इसलिए लगते हैं क्योंकि इन चेहरों में है हारमोनी, जो कि अचीव करना बहुत ही इम्पॉसिबल है। एंड हारमोनी एक ऐसी चीज़ है कि अगर तुम्हारे फेस की एक भी हड्डी इधर से इधर थोड़ी बहुत हुई, नोज की शेप इधर से उधर थोड़ी बहुत हुई, तो पूरी बिगड़ जाती है। क्लासिक केस है माइकल जैक्सन का,
माइकल जैक्सन वॉज अ गुड लुकिंग गाय इन माई ओपिनियन, सुंदर दिखता था, बट सर्जरी करा करा के वो थोड़ी थोड़े चेंजेस हो के टेढ़ा हो के पूरा फेस ही बिगड़ जाता है। अब होता क्या है कि कोई भी बड़ा सेलिब्रिटी तुम देखना कभी भी सर्जरी कराएगा और वो थोड़ी सी टेढ़ी हो जाएगी, उसको सीधा कराएगा तो फेस अजीब लगेगा, फिर उसको और टेढ़ा कराएगा तो और अजीब लगेगा, एंड वो उसी साइकिल में फंस जाएगा और पूरे जीवन भर सर्जरियाँ कराता रहेगा। इसके क्लासिक एग्जाम्पल एक जैक एफ्रॉन का एग्जाम्पल है, बंदे ने अपना पूरा मुंह ही डिस्ट्रॉय कर लिया, क्यों? क्योंकि उसका प्लान था कि वो अपने चिन को थोड़ा सा बड़ा करेगा एंड सुंदर दिखेगा। हुआ क्या, चिन बड़ी की तो ये छोटा रह गया, ये बड़ा किया तो अजीब लगा फेस, तो उसने और कुछ बदलाव किया एंड ऐसे आज वो एक प्लास्टिक की गुड़िया नजर आता है। सो दैट इज व्हाट इज मेंट बाय हार्मनी, जो कि एक भगवान का दिया हुआ तोहफा समझ लो, जो कि तुम वर्ड्स में एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते कि ऐसा क्या है भाई कि इतनी हार्मनी आ गई, उसको कहते हैं हार्मनी। तो अगर तुम्हारे बाल आते हैं तो वेरी गुड, बाल सुंदर होने चाहिए, फेस के हिसाब से एडजस्ट होने चाहिए, वो तुम अपने हिसाब से कर सकते हो। पर लेकिन एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द लुक्स हेयर्स के लिए, वो है तुम्हारी हेयर लाइन। तुम्हारी हेयर लाइन फुल होनी चाहिए, अगर हेनरी कैविल जैसी तो हेनरी कैविल जैसा ही फ्रॉड करना आना चाहिए। वो कितना प्यारा फ्रॉड करता है कभी उसको देखना। फिर वैम्पायर डायरीज वाला एक्टर जो है वो कितना प्यारा फ्रॉड करता है अपनी हेयरलाइन का, लाइक वन ऑफ द बेस्ट फ्रॉडर्स आउट देयर। इतना गंज पड़ा है बंदे को, येट स्टिल इतने प्यारे ढंग से स्टाइल करता है हेयर स्टाइल की इवन 15 साल की लड़की भी सोचे ये मेरा उम्र का आदमी है। दैट इज व्हाट आई मीन बाय अ गुड हेयर लाइन। पर व्हाट इफ अगर बाल ही नहीं है सर, तो यू नीड हार्मनी। रॉक का फेस देखा कभी, कितनी प्यारी हार्मनी भाई, बंदा गंजा है पर तुम्हें एक सेकंड भी लगेगा बंदा गंजा है, इतने प्यारे तरीके से जचता फेस के साथ। सो एट द एंड बात यही है कि या तो तुम्हारे हेयरलाइन फुल होनी चाहिए, फुल नहीं है तो तुम्हें ढक के रखनी, और अगर बाल नहीं है तो तुम्हें मेकश्योर करना तुम्हारा सर जो है वो हार्मोनियस हो गंजे होने के साथ। एंड ये सैडली एक ऐसी चीज़ है जिसको तुम सर्जरी के साथ ही फिक्स नहीं कर सकते। मैंने तो कुछ नहीं सुना था कि कोई ऐसी सर्जरी जो कि गंजे सर को बेटर दिखाए, इसका कुछ भी उपाय नहीं है, ये तो बिल्कुल गॉड गिफ्ट है। एंड इन माय ओपिनियन हार्मनी एक ऐसी चीज है जो कि कोई भी सर्जरी नहीं ला सकती, वो पूरी की पूरी गॉड गिफ्ट है। नंबर फोर्थ पे आती है वाइड फिजिक। वाइडनेस यहाँ पर सिर्फ तुम्हें लग रहा होगा शोल्डर्स की हो रही है, नहीं, वाइडनेस यहाँ पर ओवरऑल बॉडी की फ्रेम की हो रही है। फ्रॉम द स्टांस ऑफ योर लेग्स वो भी वाइड होना चाहिए, टू योर वेस्ट वो भी बहुत ज्यादा कॉमिकली पतली नहीं होनी चाहिए, वाइड इनफ होनी चाहिए, टू द विड्थ ऑफ योर रिबकेज आपका चौड़ा होना चाहिए वो सुपरमैन की तरह, टू द विड्थ ऑफ योर शोल्डर्स क्लेविकल्स ये हड्डियाँ ये ज्यादा चौड़ी होनी चाहिए, टू द विड्थ ऑफ योर नेक तुम्हारी गर्दन ज्यादा चौड़ी होनी चाहिए, एंड टू द विड्थ ऑफ योर जॉ तुम्हारी जॉ ज्यादा चौड़ी होनी चाहिए। आई मीन खुद देखो, इमेजिन करके, फॉर एग्जाम्पल तुम चेयर पर बैठे हो, एक तरफ मैं ऐसे करके बैठा हूँ और एक तरफ तुम ऐसे करके बैठे हो, हु लुक्स मोर डोमिनेटिंग, कौन ज्यादा बैडास लग रहा है? तुम्हारे दिमाग में खुद ही एक इमेज बन गई होगी कि मैं हो सकता है तुमसे ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ सब कुछ ऊपर, क्योंकि मैं ऐसे बैठा हूँ तो मैं ज्यादा शिवरिंग लगूंगा, मैं ज्यादा वीक लगूंगा। वेरस तुम अगर ऐसे बैठे तो फर्स्ट इंप्रेशन में तुम लगोगे कि वाह रॉकी भाई सर। क्यों होता है आई डोंट नो, मैंने इस पर स्टडी नहीं किया कभी कि ऐसा क्या है कि वाइड फ्रेम्स मैन में ज्यादा अच्छी लगती है, बट इन माई ओपिनियन इसका कुछ एवोल्यूशनरी रीजन ही होगा कि वाइडर द फ्रेम उतने स्ट्रॉन्गर तुम होगे, ऑल दैट स्टफ। पर जो भी है, ऑलवेज रिमेंबर द वाइडर यू लुक द बेटर यू विल लुक। बट नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, जिस तरह मोटी लड़कियां सोचती ना वो थिक हैं, इवन दो उनको इतनी इतनी चर्बी बड़ी होती है, सेम वे कई सारे मोटे आदमी ये सोचते हैं हम वाइड हैं। जब मैं वाइड कह रहा हूँ तो मैं लीन एंड वाइड कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुम इतने मोटे पड़े हुए हो कि ट्रैक सूट में इतनी बड़ी अलमारी लग रही हो, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं। वैसे तो फिर अंबानी भी इतना मोटा है, उसका बेटा भी इतना वाइड लगता है, पर वो एक डिजायरेबल लुक नहीं है। डिजायरेबल लुक होगी तुम वाइड हो पर एक वी शेप, समझे किस तरह से, मतलब तुम्हारे पैर वाइड हैं, लेग्स वाइड हैं, वेस्ट वाइड है, सब कुछ है, पर वो ऐसे ऐसे करके ऊपर को और वाइडर होता जा रहा है, वाइड है नीचे से पर ऊपर जाते जाते और वाइड होता जा रहा है। कभी भी अगर रेफरेंस लेनी हो तो ऑलवेज लुक एट द बॉडी ऑफ अ स्विमर, वो बेस्ट रेफरेंस होती है फॉर अ वाइड फ्रेम। उनका सब कुछ ही वाइड होता है, फ्रॉम देयर फीट टू देयर नेक टू देयर इवन स्कल्स, सब कुछ वाइड होता है, बस स्विमिंग कर करके जेनेटिक ही वैसे हो गए होते हैं। अब बात करते हैं कि नेचुरली हाउ यू कैन गेट वाइड, एंड वाइड होने की जो सर्जरीज हैं वो सिर्फ इसकी पॉसिबल है। इसके सिवा मे बी तुम यहाँ इम्प्लांट्स वगैरह डलवा के स्कल को वाइड कर लो, पर वाइड होने के लिए शोल्डर के सिवा और कोई कारगर मेथड नहीं है जो कि काम करता हो। सो अगर तुम्हें नेचुरली वाइड होना है दैट इज़ नॉट वेरी वेरी हार्ड। तुम्हें पता होगा कि हमारी बॉडी में इर्द गिर्द मसल है, यहाँ भी मसल है, यहाँ ही मसल है। बट प्रैंक ये है कि इवन गॉड को पता है कि ये 21वीं सदी के मर्द कौन से मसल को चौड़ा करना चाहेंगे, तो इन मसल्स की ग्रोथ ही बहुत कम होती है। आई मीन तुम किसी भी रेगुलर जिम गोअर को अगर पूछोगे ना कि स्लोएस्ट ग्रोइंग मसल कौन सा, तो वो अपर चेस्ट एंड देन ये शोल्डर है, एंड गेस व्हाट, यही दो मसल ग्रुप ऐसे जो सबसे ज्यादा एस्थेटिक बनाते हैं। इसीलिए कभी भी अगर पता करना हो ना किस बंदे ने स्टेरॉइड ली है, तो उसका साफ साइन होता है कि उसको ऐसे एक डब्बू बना होगा,
जब ये डब्बू बन जाए वो बंदे साइकिल पे होते हैं, जब ये डब्बू गायब हो जाता है तो वो नॉर्मल नेचुरल हो जाते हैं। इवन रोमन रेंस का बहुत अच्छा एग्जांपल है, जब वो रेसलमेनिया के टाइम पर गेयर पर होता है, मतलब स्टेरॉइड्स पर, तो उसका वो डब्बू बन के आता है बाहर, जब नहीं होता तो फ्लैट बाजू होती है। सो इस तरह तुम पता कर सकते हो कौन नेचुरल है कौन नहीं। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, अगर तुम्हें वाइड होना है तो तुम्हें इन मसल्स को ट्रेन करना पड़ेगा, गर्दन को तुम ऐसे ऐसे करके, नेक एक्सरसाइजेज हैं वैसे ट्रेन कर सकते हो। रही बात वेस्ट की, तो वो तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते, हड्डी है। रही बात लेग्स की, यू कैन ऑलवेज डू स्क्वैट्स। पर लेकिन ये एक बहुत ही लॉन्ग जर्नी समझ के चलना, तुम्हारी बेस लाइन क्या उस पर भी डिपेंड करता है। हो सकता है तुम जैसे मैं भी दिखता हूँ वैसे ही तुम नेचुरली दिखते हो, मतलब जेनेटिकली अच्छे जेनेटिक है कि जितना मैं अभी दिख रहा हूँ उतने तुम नेचुरली दिखते हो। तुम अगर जिम मारोगे 5 साल तो तुम इतने पहुंच जाओगे। मेरे से हो सकता है कोई ऐसा बंदा जो कि मेरा 1% लगता हो, लेकिन बिल्कुल सूखा हुआ, तो अगर वो बंदा 5 साल जिम मारेगा तो हो सकता है मेरे लेवल पे या मेरे से भी कम रहे। सो अपने एक्सपेक्टेशंस को लो रखना, समझदारी के साथ वाइड होने वाले सारे वर्कआउट मारना। मैंने तुम्हें बता दिए कौन सी एक्सरसाइज तुम मार सकते हो, बैक की मारो, साइड की, शोल्डर्स की मारो, गर्दन की मारो, लेग्स की मारो, एंड ऑल दैट स्टफ, इसे तुम वाइड नजर आओगे। एंड वाइड नजर आने से क्या होता है वो मैंने तुम्हें बता दिया। सो नंबर थर्ड पर आता है बीइंग लीन, एस्पेशली इन योर फेस। देखो इस दुनिया में ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो चबी होकर ज्यादा क्यूट लगता है। आई मीन तुम मुझे एग्जाम्पल दे सकते हो 13 Reasons Why के एक्टर का, बहुत सुंदर था, चबी भी था, पर गेस व्हाट, अगर वो पतला हो जाए तो वो और सुंदर होगा, बिकॉज देर इज नो सिंगल मैन ऑन दिस प्लैनेट अर्थ जो कि चबी होने के बाद ज्यादा बेटर नजर आएगा कंपेयर टू वो जब लोअर बॉडी फैट में होगा, खासकर फेस में। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल शरीड हो जाओ, इतनी पतली स्किन कर लो पेट में और एब्स निकालो, नहीं, मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि तुम्हारे मुंह में डेफिनेशन होनी चाहिए, मतलब जब ऊपर से लाइट पड़ती है कुछ होता है तुम्हारा बोन स्ट्रक्चर पॉप आउट होना चाहिए, तुम्हें उतनी लीननेस चाहिए, उतनी कम बॉडी फैट चाहिए अपने फेस पर। यहाँ पर दो तरह के केसेस होते हैं, एक तो मेरे जैसे आदमी है जिनका मुंह चुसे हुए आम की तरह लगता है, मतलब वो कुछ भी कर लें यार स्टिल उनको रिश्तेदार हमेशा ये बोलेंगे कि तेरा मुंह इतना पतला क्यों है। इवन तो उनका बॉडी वेट 80 किलो भी पहुंच जाए, 86 भी पहुंच जाए, पर क्योंकि ये जाइगोज इतने बड़े हैं तो उस वजह से यहाँ हमेशा खड्डा नजर आता है। फिर कुछ इसके ऑपोजिट होते हैं, उनके जाइगोज होते ही नहीं है, तो वो कितना भी कट कर लें उनके यहाँ कभी खड्डा ही नजर नहीं आता है। साथ में और भी फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि मेरा है कि मेरी फैट स्टोरेज फेस पर लास्ट में जाकर होती है, सबसे पहले पेट पर होती है। वेरस कई लोग होते हैं कि सबसे पहले फैट की स्टोरेज यहाँ पर होती है, तो बेचारे अगर 8-9% बॉडी फैट पे ना पहुंचे तो फेस से फैट ही जाती है। बहुत सारे फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं, पर मैं फिर वही कह रहा हूँ, तुम्हें अपने लेवल पर, अपने जमीन पर खड़े होकर तुम जितना अपने कमरे को संवार सकते हो उतना संवारो। मैं वो नहीं कह रहा हूँ नया कमरा खरीद लो, सर्जरी करा लो, ऑल दैट, नहीं, कुछ भी नहीं कह रहा है ऐसा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जितना तुम म्यूइंग करके, जितना च्यूइंग करके, और जितना मेरी लुक्स की प्लेलिस्ट में चीज़ें पड़ी हैं, जितना बॉडी फैट कम कर, जितना तुम नेचुरली हेल्दी वे में पॉसिबल अपने फेस को कम कर सकते हो उतना करो। ये टिप सबसे इंपॉर्टेंट उनके लिए होगी जो भी मोटू पड़े हुए हैं, जिनके फेस में ऐसे डबल चिन नजर आती है, पेट ऐसे पड़ा हुआ है। अगर ये सब है तो प्लीज़ यार तुम ज़्यादा नहीं, कम से कम इतना तो हो जाओ कि बस चबी चबी चीक लगे, मोटू ना लगे। उस लेवल पर आ गए तो तब भी तुम बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखोगे अपने लुक्स में। सो मेक श्योर तुम अपने फेस की फैट को कम से कम रखने की कोशिश करो। एक बहुत जरूरी रिमाइंडर दे रहा हूँ, क्योंकि इवन 2023 में भी लोगों को, बेचारों को पता ही नहीं होता है, तुम एक जगह से फैट को लूज नहीं कर सकते। मतलब मैं इस उंगली से फैट लूज नहीं कर सकता हूँ, मेरे पूरे शरीर से जाएगा, समझा रही बात। मतलब मैं ये नहीं बोल सकता मुझे सिर्फ इस चीक से फैट हटानी है, पूरे शरीर से जाएगी। मैं ये नहीं बोल सकता मुझे सिर्फ फेस फैट कम करना, मुझे सिर्फ बेली फैट कम, सिर्फ लव हैंडल कम, नो, पूरे शरीर से फैट जाती, पूरे शरीर से फैट जाती है। एंड एक एज अ ब्रदर एडवाइस मैं तुम्हें एक और चीज देना चाहता हूँ, कई लोगों को लगता है पसीना पड़ रहा है, खासकर अभी गर्मियों के टाइम में जिम में जाते हो या घर पे पुशअप करते हो, पसीना पड़ रहा, फैट जा रहा, फैट फैट, ऐसा कुछ नहीं होता है। फैट पता है कहाँ से रिलीज होती है, बॉडी से, सांस से। हाँ, रिसर्च करना थोड़ी सी, पसीने में कोई फैट नहीं होती है, पसीने में नमक होता है बस। सो पागलों की तरह पसीना मत निकालते रहा करो, अगर पसीने से फैट निकलने लगी तो वर्कआउट छोड़ो, किसी गर्म कमरे में बैठ जाओ, पंखा बंद कर कर और सारा फैट पिघला दो। तुम कोई बटर नहीं है जो पिघल रहे हो पसीने की तरह और अब फैट निकल जाएगी। अब अगर बात करें कि फेस को लीन सर्जिकली कैसे करते हैं, बस नॉलेज के लिए, मुझे पता तुम में से कोई नहीं कराने वाला सर्जरी, तो एक ब्यूकल फैट रिमूवल नाम की सर्जरी होती है, उसमें तुम्हारे यहाँ से अंदर की हिडन फैट जो होती है उसको रिमूव करते हैं। एंड ये बहुत ही कॉमन सर्जरी है, लाइक ऑलमोस्ट 90% सेलिब्रिटीज ये करवाते ही करवाते हैं। तुम्हें याद होगा द बॉयज की एक एक्ट्रेस बड़ी ज्यादा फेमस हुई थी अपने फेस को बदलने के लिए, स्टारलाइट है उसका नाम, उस बंदी का चेहरा एकदम से बदल गया था इस लेटेस्ट सीजन में, तो उसका भी यही था, उसने अपने चबी चबी चीक्स वाली ना जो ब्यूकल फैट थी वो रिमूव करवाई थी। सो यहाँ से दो चीजें पता रखती हैं कि
हारमनी को कोई सर्जरी नहीं दे सकती जैसा कि मैंने बताया। एंड सेकंड, लड़कियों पे चबी चीक्स ज्यादा फेवरेबल होते हैं कंपेयर टू स्किनी फेस के। नंबर सेकंड पे आता है हेल्दी लुक, स्पेशली तुम्हारे आंख के आसपास जितना भी फेस का फीचर है ना, ये तुम्हारा हेल्दी नजर आना चाहिए। इस वक्त तुम्हें मेरे को देख के लग रहा होगा मैं पता नहीं कितना बीमार हूँ और मेरे को खून चढ़ना है, क्या होना है। एक्चुअली मैं सोया नहीं हूँ तो मैं इस वक्त बहुत ज्यादा ना, ध्यान से देखो, आई डोंट नो फोकस भी हो पा रहा होगा या नहीं, पर मैं इस वक्त बहुत ज्यादा अनहेल्दी नजर आ रहा हूँ। तो इसका साइड इफेक्ट क्या है कि जब तुम्हारी आंखें ऐसी नजर आती हैं सड़ी हुई, या तुम बीमार नजर आते हो, या ऐसा लगता खून चढ़ना है, काली नजर आती हैं, तो दूसरे वाले बंदे को ना तुमसे क्रीपीनेस फील आती है, एक सैडनेस फील आती है, एक सिकनेस फील आती है, एंड वो एक डिजायरेबल ट्रीट नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है। तुम बीमार नजर आते हो, तुम लगता है कि सोए नहीं हो, एंड ओल्डर स्टफ। एंड द बिगेस्ट रीजन तुम सबसे जल्दी एज करते हो, या अगर तुम एक ही दिन में तुम्हारी लुक बदल जाती है, वो है सोना। सो मेक श्योर यू फोकस ऑन योर स्लीप, तुम ज्यादा सो रहे हो ताकि तुम्हारी आंखों में खड्डा नजर आए, एंड तुम्हारी आई का एरिया हेल्दी नजर आए, ये वाला एरिया बिल्कुल हेल्दी नजर आए। तो इस पर ज्यादा वर्क करना, और अगर इसकी कोई सर्जिकल टिप चाहिए तो वो यही है कि यहाँ पर फिलर्स डल जाते हैं, इम्प्लांट्स डल जाते हैं इस एरिया में, फिर ये जगह बहुत जवान लगती, जल्दी से जल्दी अंडर आई सर्कल नहीं पड़ता। एंड नंबर वन पे आता है स्टेटस। अब मुझे पता तुम में से कई लोगों ने तो कमेंट अपना लिख भी दिया होगा कि ब्रो मनी की बात नहीं की, लाइक गवर्नमेंट जॉब ले आओ, कोई भी लड़की पालो, वो अलग बात है। द मेन रीजन इज नॉट मनी, द मेन रीजन इज स्टेटस। अगर तुम्हारे पास स्टेटस आता है ना, तो तुम एज अ मैन द मोस्ट डिजायरेबल बन जाते हो। बेस्ट एग्जांपल दूं तुम्हें, कई सारे उसके फैन बॉयज ना हर्ट भी होने वाले हैं। लुक एट एंट्री रेट, क्या वो किसी भी चेकलिस्ट को टिक करता है? उसकी चिकन चिन है, लाइक बिल्कुल रिसर्च्ड ऐसे वाली चिन है। उसके सर पर बाल नहीं है, उसको बाल्ड लुक सूट भी नहीं करता है। उसकी स्कल की शेप ऐसे करके है, जादू वाली। उसकी आंखें बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है, इवन उसकी तो एक प्यूपिल भी टेढ़ी हो चुकी है बॉक्सिंग करने से, यट स्टिल जब वो बंदा चलता है ना, को देखकर एक अट्रैक्टिवनेस फील होती है। जब वो बंदा बात करता है, उसको सुनकर एक अट्रैक्टिवनेस फील होती है। पता है क्यों? क्योंकि स्टेटस बहुत बात करता है। तो मेक श्योर तुम अपनी लुक वगैरह सब पर फोकस करो, बट ऑलवेज रिमेम्बर तुम्हें अपने स्टेटस पर भी फोकस करना है, बिकॉज एज अ मैन यू नीड स्टेटस। ये सिर्फ लड़कियों के पास है प्रिविलेज की प्रिटी होकर ही सब कुछ हो गया, लड़के कितने भी प्रिटी हो, ऑलवेज रिमेम्बर एक लड़का दूसरे लड़के का बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर होता है। तो तुम अगर सिर्फ प्रिटी 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 हुए ना, स्टेटस नहीं किया इम्प्रूव, तो कच्चा चबा जाएंगे तुम्हें लोग, जैसे रोडीज में कंटेस्टेंट को चबा जाते हैं भोसड़ी के। सो ऑलवेज रिमेम्बर तुम अपने स्टेटस को इम्प्रूव करना। स्टेटस को कैसे इम्प्रूव करते हैं? अपना नाम बनाकर, शोहरत कमाकर, पैसा कमाकर। मैंने यहाँ फेम की बात नहीं कर रहा हूँ कि फेमस जो सेलिब्रिटी है वो, नहीं। तुम्हारा अगर नाम चलता है, तुम एक हेल्पिंग आदमी हो, तुम्हें लोग जानते हैं, तुम्हारी नेटवर्किंग स्किल अच्छी है, ये सब कुछ स्टेटस के अंडर आता है। बट एट द सेम टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ कि डोंट थिंक पैसों से जेन्युइन अट्रैक्शन खरीदी जा सकती है। एंड ये मैं पता किसके लिए कह रहा हूँ, जो भी लोग विश्वास रखते हैं कि मैं भाई कुछ नहीं करूंगा, बस मैं नौकरी लग जाऊंगा और उसके बाद कोई भी लड़की मिल जाएगी। ठीक है, मिल जाएगी लड़की, बट ऑलवेज रिमेम्बर जो प्राइमल अट्रैक्शन होती है ना, जो कि बायोलॉजिकल एवोल्यूशनरी और लुक्स पर बेस्ड अट्रैक्शन होती है, वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। जो फ्रेम पर बेस्ड अट्रैक्शन होती है वो कभी नहीं मिलेगी अगर तुमने अपनी बाकी चीज़ों पर वर्क नहीं किया। ऐसे तो फिर फर्क क्या है? आई मीन जो रशियन चलता रहता है उसमें और अरेंज मैरिज में क्या फर्क रह गया? उसमें भी तुम पैसा दिखा रहे हो, अपनी नौकरी दिखा रहे हो, जेन्युइन अट्रैक्शन नाम की तो कोई चीज ही नहीं है, वो तो एक सौदा हो गया। अगर तुम्हें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता तो नो इश्यूज, पर आई नो मेरे जैसे कई लोग होंगे जिनको इस बात से भी फर्क पड़ता है कि लड़की को मेरे में जेनेटिक पोटेंशियल ही नहीं नजर आई और उसको जेन्युइन अट्रैक्शन ही नहीं हुई, उसको ये नहीं लगा कि इसके साथ जो बच्चे होंगे वो वर्दी होंगे मेरे, वो सिर्फ मेरे पैसों के लिए आई है। अगर मुझे ये सोचकर अजीब लगता था, आई एम श्योर तुम में से भी कई लोगों को सोचकर अजीब लगता होगा और तुम नहीं चाहते होगे तुम्हारे साथ ऐसा। तो इसलिए यू नीड टू वर्क ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड नॉट ओनली मनी और गवर्नमेंट जॉब और ऑल दैट स्टफ। अगर तुम इंटरेस्टेड हो मेरे साथ 1-to-1 कोचिंग कॉल में बात करने के लिए, चेकआउट द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में ही मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर और इंस्टा का पेज मिलेगा, फॉलो और ज्वाइन बटन दबा देना। आई विल सी नेक्स्ट टाइम, टिल देन एज यूजुअल टू सीट एवरीवन, जागते रहो।